और ज्यादा ना मान के चला मंडी के अंदर 10 रुपए केजी तो आराम से बिकी जाता है। ठीक है हाँ, तो 3 लाख रुपए की इनकम मानना यहाँ पे। वैसे मेरा पीछे गांव में बहुत अच्छा हुआ था, किसी ने 4 के बेचे, किसी 4.5 के बेचे हैं। अच्छा, तो कुल कितने एकड़ में आप लगाने वाले हैं? आप 20 एकड़ की खेती करा हाँ, खुद के लिए। खुद के लिए तो कंपनी है ताइवान की हाइब्रिड के अंदर में डालने लग रहे हैं। A1 कंपनी है सब्जियों के अंदर, तरबूज है, खरबूजा है, घिया है, लौकी है, मिर्च है, टमाटर है, जुगनी पेठा है, करेला है और खीरा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं सुनील भाई से। नमस्कार सुनील भाई। राम राम भाई सारे ने। मैं सुनील कायद्यान, गांव खानपुर, जिला हिसार, और सत्यवान भाई साहब को राम राम। आज अपना फार्म पर विजिट करने के लिए, और जो अपनी ये नर्सरी है, छोटी मिनी नर्सरी है, इसको विजिट करने के लिए और अपने सारे किसान भाइयों को दिखाने के लिए, इसलिए आपको राम राम करते हैं भाई साहब। तो आपका धन्यवाद सुनील भाई। अपने भाइयों ने यूँ बताओ कि फिलहाल आप कौन कौन सी सब्जी लगाने लग रहे हो? तरबूज है, खरबूजा है, घिया है, लौकी है, मिर्च है, टमाटर है, जुगनी पेठा है, करेला है और खीरा है। अपनी ये 8-9 प्रकार की जो सब्जी है आप ये तैयार करने लग रहे हैं, इनकी पनीरी डालने लग रहे हैं, और ये 1 महीना के अंदर तैयार हो जाएगी अपनी, फिर आप खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करांगे इनकी। तो अपने किसान भाइयों ने यूँ बताइए कि इनकी तैयारी के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं? इसकी तैयारी के लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं करते जी, आप कोकोपीट यूज में लेते हैं ज़्यादातर। हर बार हम तो कोकोपीट लेते हैं, अब की बार थोड़ा परलाइट यूज किया हमने, हम ही कोकोपीट बाजार से लिया वहाँ, और उसने 2 दिन के लिए भिगो दिया। ठीक है, जैसे हाँ, भिगो रखा है आप, उसने 2 दिन भिगो के निकाल के ना उसका मॉइस्चर निकल जाए जब अच्छी तरिया था, जब ट्रे के अंदर भरने योग्य हो। ज्यादातर आप कोकोपीट यूज करते हैं और उसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला लिया पौधा, ताकि अच्छी तरिया तक इसमें ग्रोथ कराए। फंगीसाइड के नाम पे क्या चीज मिला हुआ? फंगीसाइड पे बॉस्टिन M45, बस ये हल्के वाले फंगीसाइड डालना। अच्छा हाँ, बस कोई बस डंपिंग नहीं आओ पौधे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर आप इन 3 ट्रेया के अंदर में भरवा के ना और सीड डलवा इधर सीड। हाँ, आप देख सको सीड डलन लग रहा है, और ये सारे सीड अपने नोनियो जो कंपनी है ताइवान की हाइब्रिड के अंदर में डालने लग रहे हैं। A1 कंपनी है सब्जियों के अंदर में, अपना तरबूज खरबूजा तो अनुमान के चला अपने पूरे भारत के अंदर इनका ही फेमस है नोनियो का। हाँ, नोनियो का आपने सुना भी होगा, जन्नत तरबूज है वो भी, खरबूजा है, उसकी मिठास जो है उसके मुकाबले कोई तरबूज खरबूजा नहीं है। वैसे बाजार में काले पीले बहुत आम है, पर इसके मुकाबला कुछ नहीं है नोनियो के मुकाबले कुछ। हाँ, नोनियो के मुकाबले कुछ नहीं, जो भी आज तक ये जो चीज लेके आए है नी उसके मुकाबले आज तक कोई कंपनी इनके टक्कर में नहीं है। और इसका सीड का जो प्राइस है वो मान के चलांगे आप, जो वो भी खरबूजा है उसका सीड है 85,000 रुपये किलो। ओहो हाँ, और जो अपना तरबूज है पिछली बार तो कुछ कम था, अब की बार 75,000 रुपये किलो तरबूज। और इनका एक पीले कलर में आता, अंदर से पीला होता है, उसका अब की बार से शायद 85,000 रुपये किलो उसका है। अच्छा, जो पीले रंग में है, पीले रंग में अंदर से। हाँ, अगली ट्रे में उसमें ट्रे में दिखाओ, इसमें सुराख जिस तरह करने लग रहे हैं। जैसे अब एक बार वो ट्रे भर दी गई है। हाँ हाँ, और उसके बाद जो है इस ट्रे के अंदर फिर दूसरी ट्रे देखना आप। चलिए, जैसे अब उसके अंदर सुराख हो गए हैं, दूसरी ट्रे ऊपर रख के थोड़ा सा दबा दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, और दबाने के बाद ये सुराख हो गए हैं, इन सुराख में प्रत्येक में एक एक बीज डाला जाएगा। अगर बाई चांस किसी में 2 डल जाते हैं तो उसको निकाल दिया जाता है, और फिर एक एक बीज करके इसके अंदर डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से इनको भर करके और फिर यहाँ पर रख दिया जाता है। किस चीज का पौधा है, कौन सी वैरायटी है, हाँ, ये अपना सारा लेबल लगा दिया, लेबल लगा रखे है, जैसे कि आप देख सको। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद में वैसा आप वॉकिंग टर्नल बोल सका। हाँ, ये तैयार किया जाता है, इसके अंदर में अंदर सारी ट्रे लगा दिया। अच्छा, इसके अंदर बारी वाइज, क्रम वाइज। हाँ हाँ हाँ, लंबी ट्रे लगाते रहो। हाँ बिल्कुल, सारी लगभग आपकी 6 फीट की हाइट की है। हाँ, ये 6 फीट की हाइट है, आप आसानी से इसमें स्प्रे देना। हाँ, है पानी देखनी है, देख सका। हाँ, फिर इस तरह से इनको लगा दिए। ये इस तरफ तो आपकी हो गई सुनील भाई के। हाँ, ये थोड़े अपने पहला लगाए थे, ये बैंगन लगा रखे हैं। अच्छा, बैंगन के ही। हाँ, ये पहले लगाए थे, थोड़े ही उगाए। ठीक है, इसमें तो तापमान काफी मेंटेन हो गया, गर्मी लगने लगी सुनील भाई। ये तो अभी हमने खोल रखा है। अच्छा, अगर आगे से बंद कर दिया तो इसमें अपना टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाए। अच्छा हाँ,
बहुत हाई टेम्परेचर आ जावे। हाँ, इसके जर्मिनेशन के लिए अपन चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अपन फास्ट जर्मिनेशन कराना हो है। फिर इसमें पानी वगैरह का किस प्रकार से प्रबंध रहे है? पानी के लिए अपन मोटर लगा रखी है। पानी कई दिन के बाद लगाना पड़े है? पानी तो देखो वैसे तो दूसरे दिन लगावा यहाँ पे। अच्छा, एक दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के ना लगावा। हाँ, और पर पानी का तो यूं हो कि अपन देख पौधा ही स्थिति देखनी पड़े भी, अब इसकी पानी की जरूरत है नहीं है, कोकोपीट ऊपर से सूखा हुआ है। तो कुल कितने एकड़ में आप लगाने वाले? आप 20 एकड़ की खेती करा हाँ खुद के लिए? खुद के लिए। अच्छा। और बाकी सेल भी करा हाँ, जिस तरिया से कोई भी भाई बनवाना चाहो तो आप उसकी पनीरी तैयार कर दे, ऑर्डर के ऊपर जैसे भी अपना सीड दे अपने तहीं उस तरीके से आप तैयार करते हैं। वैसे बना के रखते नहीं, क्योंकि बीज बहुत कॉस्टली है। हाँ, फिर बाद में बिकना बिकना बिको। हाँ, वो समस्या। तो यू आपने एक लोट नर और बनाया था यू? फिर हाँ, यू अपन 2-3 दिन पहले बनाई थी। इसमें अपन जो ट्रे लगाए के ना, और ये बंद कर दिया गया अपन। यूं बताओ कि फिर ये दोबारा ट्रांसप्लांट कब होगी? ये आज से 1 महीना के बाद में अपना खेत में लगानी। कितने पत्ते हो जाएंगे इसके? और तो भाई 2-3 पत्ते होते ही लगा जे हैं। अच्छा। आप 6-7 पत्ते जब तक नहीं होते नहीं अपनी पनीरी नहीं लगाते, जब तक पौधा बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें एनर्जी होनी चाहिए, फुल एनर्जी होनी चाहिए। अगर जड़े भी डालना पे तुरंत चालू हो जाए पौधा। अच्छा अच्छा, छोटा पौधा एक बार मुरझा जाओ? छोटा पौधा में क्योंकि सर्दी का टाइम है, जो है सर्दी ज्यादा होगी तो सहन नहीं होगी छोटे पौधे पे। ठीक है। हाँ, बड़ा पौधा की रूट ज्यादा हो जाए, तना मजबूत हो जाए, जिस प्रकार से भी लगाओगे उसी प्रकार से वो चल पड़ेगा। अपने किसान भाइयों ने यू बताओ कि फिर ये फ्रूट कितने दिन बाद देना लग जाए? ये अपने 3rd महीने के अंदर स्टार्ट हो जाए। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि अगर जो 2rd महीने में लगाओगे तो 4th महीने के अंदर आएगी। 3rd महीने में अगर जो अपनी खेती जो मंडी में जाने लग जाएगा जो भी फ्रूट है अपना, उसके काफी अच्छे पैसे बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब भाव अच्छा मिल भाव अच्छा मिल जाए। भाव के चक्कर में इतनी आप इतनी एडवांस करने लग रहे हैं। ठीक है बात आपकी। हाँ, नहीं तो ये तो खेती है अपनी गर्मी की, और अब सर्दी में पनीरी बनाने लग रहे, सर्दी में लगाने लग रहे यहाँ पे। सही बात है। एक एकड़ की अगर बात करा तो के कुछ आमदनी हो जावा है? देखो अगर आप तरबूज की बात करा तो नोनियो सीड का जो जन्नत है आज मार्केट के अंदर उसकी बहुत अच्छी पहचान हो गई है। अगर जो कोई तरबूज लेने जाता है तो जन्नत की डिमांड करता है, और इसका अपना नाम का चाहे बेसिक ना मेरा वो वैसी वैरायटी मांगता कि उस टाइप का दे। नहीं, अब तो ये नाम भी जबान पे आ गया, क्योंकि जन्नत दे दे भाई, मैंने और नहीं बेरा काले पीड़िया का नहीं बेरा, मैंने जन्नत दे दे। और जन्नत ने इसी पकड़ बना ली है मंडी में बहुत ज्यादा। तो एक एकड़ की बात करा तो 300 क्विंटल तरबूज निकल आता है। ठीक है। और ज्यादा ना मान के चला मंडी के अंदर 10 रुपए केजी तो आराम से बिकी जाता है। ठीक है। हाँ, तो 3 लाख रुपए की इनकम मानना यहाँ पे। वैसे मेरा पीछे गांव में बहुत अच्छा हुआ था, किसी ने 4 के बेचे, किसी 4.5 के बेचे हैं। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के 2-1 लाख रुपए बच जावे? हाँ, बच्चे 1 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाए। क्योंकि बीज बहुत महंगा, बीज बहुत, हाँ हाँ, बहुत कॉस्टली बीज। फिर इसके अंदर खाद वगैरह स्प्रे वगैरह? हाँ, ये तो चलता ही रहे मौसम के हिसाब से, जिस प्रकार का मौसम हो उस प्रकार की स्प्रे दवाई खाद दें दे रहे वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद अब और खरबूजे की बात करा तो खरबूजे का भी सेम इसी तरह रहो, खरबूजे की थोड़ी ही मार्केट अच्छी रहे है, वो भी खरबूजा है, इतना मिठास बताई जाती है। अगर जो कोई शुगर वाला भाई खा ले उसको तो उसकी शुगर बढ़ सके। शुगर बढ़ जाए? हाँ, शुगर बढ़ जाए, इतनी मिठास। हाँ, बहुत काफी मीठा हो है, तो इसका मार्केट में 30-40 रुपए मार्केट मिल जाती है। और अच्छा खा इसका भी 3-3.5 लाख रुपए का किला उतरिया अपना। तो कुल मिला गया अपनी यू मान लो कि जैसे 20 किला में बोएंगे तो क्या उम्मीद करें कि एक सीजन की सब्जी कितना दे? देखो ऐसी है, मालिक के भरोसे है, या तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम साथ देगा, अपनी खेती प्रकृति के साथ में है ना, ना, आपका तो यूं ही कहना पड़ी। तो सुनील भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी अपने किसान भाइयों ने, आपने आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, राम राम। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।